ओके okay, स्टूडेंट्स ये टास्क मैं चेक करने वाली हूँ ज्योति का थर्टी फाइव मिनट्स में कंप्लीट किया बैंड रिगरमेंट सिक्स पॉइंट फाइव उसके पहले मैं बता दूँ स्टूडेंट्स आपको टास्क चेक करना है काइंडली ऐसे एक पेज में टाइप करो ये सारी डिटेल उसमें मेंशन करो फिर मुझे सेंड किया करो प्लीज ओके टॉपिक इज इन मैनी कंट्रीज यंग पीपल आर नॉट ओनली रिचर बट ऑल्सो सेफर एंड हेल्थियर Than ever before however they are often and left less happy. What do you think are the reason for this, and what can be done to help? Okay, ओके okay. बहुत सारी countries में young people हैं रिचर नहीं मतलब रिचर पैसे से ज्यादा ना रिचर नहीं है बट ओनली सेफर भी हैं और healthier भी हैं फाइन लेकिन हैप्पी नहीं है क्यों लगता है कि क्या रीज़न है इसका हैप्पी क्यों नहीं है और इस क्या किया जा सकता है मतलब सोल्यूशन रीज़न एंड सोल्यूशन टाइप कैसे है ओके सडनली सडनली यंग पीपल आर सडनली यंग पीपल आर कहाँ से आगे आर फील अनहैप्पी इवन दो दे हैव बिकम वेल वेदर ये क्या लिखा हुआ है अभी वेदर हेल्दी और वेल्दी वेदर नहीं आना वेदर के वैसे स्पेलिंग लूंगी जहाँ पे वेदर नहीं आना अलॉन्ग विद दे हैव बिकम हेल्दी वेल्दी अलॉन्ग विद सेफ्टी नहीं आएगा सेफ एंड हैव मोर सेफ्टी ऐसे लिख सकते हो दैन द प्रीवियस टाइम दिस ऐसे ऐसे की स्पेलिंग रोंग है विल नॉट ओनली डिस्कस कॉज बिहाइंड दिस नोशन ओके बट समेस्ट मेटिंग डिशन विल ऑल्सो बी शेयर फाइन वेदर नहीं आएगा इवन दो का ठीक है मतलब एक दो स्ट्रक्चर यूज किए फर्स्ट इवन दो में गड़बड़ कर दी थोड़ी सी नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है बट स्पेलिंग कमेंसिंग विद वट कमेंसिंग विद द रीजन्स ओके नंबर ऑफ रीजन्स वाई पीपल फील एंड चेयरफुल इन स्पाइट ऑफ दे हैव बिकम वेल्दी और हेल्थी एंड सेफ है इन स्पाइट ऑफ के साथ दे नहीं लगना इवन दो दे हैव बिकम लगा सकते हैं बट इवन दो आपने ऑलरेडी लगा दिया है फिर लगा सकते हो इन इन स्पाइट स्पाइट ऑफ बिकमिंग ऑफ बिकमिंग हेल्थी एंड सेफर बोल सकते हो द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमेंसिंग विद करके करना होता है ना फिर कोमा करके यहाँ पे लिखो द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज इज दैट बाई अडेप्टिंग द ट्रेंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू इट दे बिकम इटिटिक देखो अगर आपने बाय अडेप्टिंग करके लिखा ही है फिर ड्यू टू इट लिखने की जरूरत नहीं है दे हैव देव बिकमिस्टिकॉर दे गिव मोर प्रेफरेंस टू आइदर फॉर वर्किंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेफरेंस आयदर टू वर्क और नॉन लिविंग थिंग्स सिंस दे हैव लेस टाइम डिवॉर्ड नॉट ओली विद दैमिलीज बट ऑल सो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स इन द लाइफ एज कम्पेर्ड टू पास टाइम क्या 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 मॉडर्नाइजेशन के कारण बन चुके हैं प्रेफरेंस वर्क को देते हैं लिविंग थिंग्स को देते नॉन लिविंग थिंग्स देते हैं ठीक है वहाँ तक ठीक है हर जगह पे आपको कॉम्प्लेक्स इतना ही कम्बाइन देखो इतना ऐसा भी नहीं आया कि फुल स्टॉप लेके ही बताओ कहाँ यहाँ फुल स्टॉप नहीं आना नहीं था वहाँ लगा दिया उसके बाद देखो आपने पूरा कनेक्ट करके फुल स्टॉप यहाँ पे लेके आए इतना भी भाई आपको कनेक्ट नहीं करना है यहाँ तक आपका ठीक था सिंस कट करके दे कैपिटल कर देते दे हैव लेस टाइम टू हैव लेस टाइम टू डी व्हाट नॉट ओनली विद फैमिली बट ऑल्सो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स इन देयर लाइफ एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम टाइम कम है दीज थिंग दीज लिखा है तो थिंग्स मेक्स नहीं आएगा मेक दैम टायर्ड एज वेल हैप्पी बट टायर्ड कहाँ से हो गए उनके पास टाइम नहीं है राइट right? तो टायर्ड कहाँ से है मनी मनी अर्न करने की रेस में लगे हैं उसमें ही फोकस करते हैं ओवर टाइम लगाते हैं सब कुछ है ना वो बोल सकते हो राइट right? तो फिर वो हैप्पी नहीं है लेकिन टायर्ड की बात नहाँ नहीं आएगी यहाँ तो आपने बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली मेम्बर के साथ नहीं करते इसलिए उनको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाती ठीक है रियल हैप्पीनेस इमोशन शेयर करने से मिलेगी कोई ऐसा पीपल हो जिसके साथ हम क्लोज फील करते हैं उनके साथ मिलेगी बट वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते इस रीजन की वजह से मोर ओवर यंग पीपल आर मोर लाइकली टू लिव विद न्यूक्लियर फैमिली एज कम्पेयर टू द पास टाइम अर्िइंग टू दिस दॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ एंड दे हैव टू फेस मैनीज देर इज नो वन अवेलेबल विद होम दे कैन शेयर जो एज अस ये ठीक है बट अकॉर्ग टू दिस आपने लिखा है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ठीक है इसके कारण वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं नो no, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इसके कारण वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उल्टा हो गया एज कम्पेयर टू द पास्ट यहां कर सकते थे बिकॉज ओइंग टू दिस नहीं आना कनेक्ट करके न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं एज कंपेयर टू द एज कम्पेयर टू दास्ट टाइम होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं बोल रही पास्ट टाइम बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट इन दयर लाइफ यहां पर फुल स्टेप करके फिलगाओ लगाओ ओ ओइंग टू दिस कॉमा दे हैव टू फेस मैनी ऐसे करके इन द पास्ट डेज फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज टू लिव विद जॉइंट फैमिलीज and discuss about everything with each other therefore they feel they used to feel past ki की बात na calm and safe satisfied but dekho देखो yahan यहाँ पे आप अच्छे se example aap आप ऐसा कर सकते हो कि देर इज ऑलवेज सम्मान जिनके साथ वो शेयर कर सकते हैं इतना, इतना satisfied या एग्जाम्पल आपकी सेटिसफैक्टरी नहीं है इतनी सर वे बोलते थे इतने परसेंट लोग हैं अकेले रहते हैं ऐसे कुछ करके ओके डिस्पाइट ऑफ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होना डिस्पाइट हैविंग दिस ऐसे ऐसे नहीं है स्पेलिंग रोगा बट नोशन आएगा या uh, तो फिर ट्रेंड कर सकते नहीं ट्रेंड भी नहीं सही है नोशन ही ठीक है इट कैन बी सोल्व बाई टेकिंग सम इन नैविटेबल सोल्यूशन फर्स्टली द इंडिविजुअल द सिंपल वे ऑफ फॉर लिविंग एंड हायर थिंकिंग स्टेड ऑफ हायर स्टैंडर्ड इन दिस कम्पिटेट वर्ल्ड फर्स्टली करके मत लिखा करो क्योंकि हमें फर्स्टली सेकेंडली फाइनली करके करना आपने सेकेंडली लिखा है ठीक है बट लिखना नहीं है हमने क्योंकि इसको फाइनली करके फिनिश करना है ना आपने दो ही पॉइंट लिखे हैं तो फर्स्टली सेकेंडली रॉन्ग कनेक्टर यूज होंगे वन ऑफ दैम इज अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सोल्यूशन ऐसे कुछ करके कर सकते थे आप ओके इंडिविजुअल इंडिविजल ऑटू अडेप्ट सिंपल वे ऑफ लिविंग एंड हायर थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ये ठीक है दस दिस थिंग मेक स फ्री और एक्टिव वुड मेक दैम घरेंगी सजैशन दे रहे हो ना दिस थिंग वुड मेक दैम द गवर्नमेंट शुड रिड्यूज वर्कआउट बाई टेकिंग सम हॉलीडे इन द ईयर ज्यूरिंग वर्किंग बिकॉज ऑफ इट दे कैन एन्जॉय एंड स्पेंड क्वालिटी इधर विद फ्रग विटि आपने बोला है वर्कआउट कम करना चाहिए बाय टेकिंग सम हॉलीडे गवर्नमेंट को थोड़ी ना हॉलीडे लेनी है गवर्नमेंट को तो हॉलीडे प्रोवाइड करनी है बाई प्रोवाइडिंग बाई ग्रांटिंग हम हॉलीडेस कर सकते हो ना इसके कारण वो एंजॉय कर पाएंगे ठीक है और बिकॉज ऑफ इट दे कैन एंजॉय दे किसके बारे में बात कर रहे हो न्यू पॉइंट शुरू किया जहाँ पे मैंशन तो करो कि यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हो रिजल्ट दिस वुड हेल्प दैम टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमंग अमंग बिद आएगा बट रिजल्ट नहीं आएगा एज ए रिजल्ट करो एज रिजल्ट टू कंक्लूड ऑलो दे आर नंबर ऑफ रीजन वाई पीपल फील एंड हैप्पी इन दे पास लाइफ इनजन प्रेजेंट लाइफ सॉरी इन इनपेस्ट टाइम दिस प्रॉब्लम कैन बी मिटीकेट नॉट ओनली बाई पीपल बट ऑल्सो बाई अथॉरिटीज आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो तीन बार आ गया अभी लिखा आपने फिर भी ठीक है गड़बड़ है इतनी ज्यादा नहीं है बट सिक्स पॉइंट फाइव के पास मुझे लग नहीं रहा मुझे एक बार चेक करने दो यहाँ पे आपने आपके स्पेलिंग सर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पेलिंग का देखें स्पेलिंग मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना और सेंटेंस का देखते हैं ओके क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है और तीन बज रहे रात के वेदर दर वाला स्ट्रक्चर लगाया बट हो गया आपका रोंग फिर नॉट ओनली बट आल्सो लगाया आपने नॉट ओनली बट आल्सो ये ठीक है आपका स्पेलिंग दो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसके बाद ड्यू टू लगाया ड्यू टू तो काउंट वैसे भी होएगा ही नहीं रोंग हो गया आइदर uh, और लगाया थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक सिंस लगाया रोंग हो गया सिंस को भी वैसे मैं इतना स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं करती फिर से नॉट ओनली बटोसो लगा दिया तीन बार नॉट ओनली बटोलसो आया तो आपका जो नॉट ओनली बटोलसो एक बार है उसका भी वैल्यू कम कर दिया आपने बार बार रिपीट मत करो एज वेल एज करके लिख दो भी उसके बाद आपने लगाया ओइंग टू तो दिस ओइंग टू तो दिस भी वैसे इतना स्ट्रोंग नहीं है रॉन्ग हो गया वो भी आईटू दिस रोंग है। उसके बाद अगर हम देखें कनेक्टर रोंग लगा दिया आपने। डिस्पाइट लगाया डिस्पाइट का रोंग स्ट्रक्चर लग गया। डिस्पाइट ऑफ लगा दिया आपने। इंस्टेड ऑफ ये ठीक है आपका। तो ये मुश्किल कभी नहीं आ रहा अच्छे से। ऐसे के स्पेलिंग रोंग थे आपके स्पेलिंग दो तीन रोंग हुए हैं आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेंटेंस यूज किए हैं उसमें आपके वन टू थ्री तो रोंग हो गए लेकिन जब रिपीट हो गया अभी सेवन सेंटेंस सेवन यूज़ किए हैं फोर तो रोंग ही हो गए चलो ये तो प्रॉपर रोंग ही थे ये बड़ा चलो आपने एक ऑफ ही लगाया चलो फिर भी ठीक है तीन रोंग हो गए फोर ही लगे मतलब आपने सेंटेंस फोर ही लगाए हैं राइट जो आपके करेक्ट यूज़ हुए हैं बट तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी मैंने बताया ना अगर आपको फाइव सिक्स पॉइंट फाइव चाहिए तो एटलीस्ट फाइव सेंटेंस यूज करो लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए ये रोंग नहीं होने चाहिए बट आपने ग्रामेटिकल uh, मिस्टेक्स कर दी यहाँ पे पॉइंट में कनेक्टर्स रॉन्ग यूज़ कर लिए तो आई विल गिव यू सिक्स प्लस सिक्स प्लस मतलब कि अगर आपकी और मिस्टेक्स होती तो आपके सिक्स से कम नहीं होने वाले फिर भी और मिस्टेक कर लो लेकिन आपको चाहिए सिक्स पॉइंट फाइव इट मीन्स जो आपने मिस्टेक की है उनको अवॉइड करने की कोशिश करो जो आपने लिखा है ना आपके ऐसे को सिक्स पॉइंट फाइव मिल सकते हैं अगर आपने वो सीली मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक या सेंटेंस की मिस्टेक ना की होती तो मतलब आपको न्यू चीजें चाहे ना ऐड करो जो लिखा है उससे कोई ठीक कर लो मतलब टास्क रिस्पॉन्स में रोंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में रोंग नहीं है आप इस चीज़ को ठीक कर लो एक आपने सेमी कॉलर आ, हाँ सेमी कॉलन भी यूज़ किया था सही यूज है बट आपने गड़बड़ कहाँ कर दी जो रोंग कर लिए मोस्टली तो मैं आपको माइनस सिक्स पॉइंट फाइव भी नहीं दे सकती आपको पता है ना मैं माइनस सिक्स पॉइंट फाइव क्यों देती हूँ कि एक आधा मिस्टेक आया तो आपका कम हो सकता है सिक्स जा सकते हैं बट मुझे सिक्स पॉइंट फाइव देने का बिल्कुल मन नहीं है बिकॉज स्ट्रोंग किए हैं फोर ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं और उसी में भी आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं करैक्टर रॉन्ग यूज़ किए हैं तो सिक्स प्लस तो आपके ईजली हैं और सिक्स पॉइंट फाइव भी आपके ईजली आ जाएंगे क्योंकि मैंने बताया ना जो भी आपने लिखा उसमें ही चेंजेस करने की कोशिश करो उसमें ही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो स्पेलिंग पे वर्क करने की कोशिश करो सिली सिली मिस्टेक क्या है उस पर वर्क करो आपके सिक्स पॉइंट फाइव आ जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में सेवन बैंड वाले ऐसे का बता दूँगी लिंक दे दूँगी आप वहाँ से वो देख के पता चल जाएगा कि सेवन बैंड है सिक्स पॉइंट बैंड वाला सिक्स पॉइंट फाइव बैंड वाले ऐसे का आप देख सकते हो कि उन्होंने सैम्पल आंसर कैसे लिखा है आप उसकी तरह लिखने की कोशिश कर सकते हो तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी मैं जो मेरा न्यू बैच हो रहा है स्टार्ट हो रहा है क्लासेस का तो मैं नहीं कहूँगी कि ज्वाइन करो बिकॉज आपको उसकी नीड नहीं है आप इजीली कवर कर सकते हो खुद ही वीडियो अभी किसी और ने ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकता है एट फैब को स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले ही उसके बाद मैं आपको बैच में ऐड नहीं करूँगी बट मेन थिंग ये है कि आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है जो होती आप इसी में ही जो मैंने वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें देख के ही आप अच्छे से कर सकते हो आपका इंप्रूवमेंट हो जाना है अगर आप उसको चेंज करने की एफर्ट्स लगाओ आपके सिक्स पॉइंट फाइव तक आ सकते हैं देख के लग रहा है बट सीरी सीरी मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक ना फर्क नहीं पड़ता लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक इकट्ठी हो -चो जाती है ना फिर फर्क पड़ता है उसने देखो आपका हाफ बैंड कट कर दिया छोटी छोटी मिस्टेक्स ने तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो ओके गुड नाइट